खुद को लिबरल कहने वाले ख्वाजा आसिफ आज फजलुर रहमान का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा होने के बावजूद बैरूनी मुल्क नौकरी भी करते रहे, जवाब तो देना होगा। वजीर मवासलात मुराद सईद की नून लीगी रहनुमा पर लफ्जी गोलाबारी, बोले अपोजिशन को तकरीर का मौका दिया जाता है तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर की बात करते हैं, इनका एजेंडा सबके सामने है। कासिम सूरी के वोटों से मुतालिक गलत बयानी की गई। मौसूब अभी बार बार फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे थे, फजलुर रहमान साहब की बार बार बात कर रहे थे, फजलुर रहमान साहब की जब बात कर रहे थे तो सुनिए सर, जब मौसूब वजीर खारजा थे और ये गए यूएस तो वहाँ पे एक इंटरव्यू देते हुए ये क्या कहते हैं, अमेरिकन को खुश करना था उनसे तो ये यहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं अमेरिकन के लिए। वहाँ पे मौसूब बैठ के कहते हैं कि हम बड़े लिबरल हैं, हम बड़े लिबरल हैं, हम तो आपके तौर तरीकों के मुताबिक चलते हैं, इमरान खान बड़ा दीनी है, बड़ा इस्लाम पसंद है, और यहाँ पे आके ये पूरे दीनी भी बन जाते हैं। स्पीकर साहब, ये वहाँ पे अमेरिकनों को खुश करने के लिए इससे आगे चले गए। मौसूब जब वजीरी खारजा थे तो बाहर यूएई में इकामे पे नौकरी भी करते थे। आप मुलाजिम किसके थे? अभी लेजिस्लेशन की बात हुई। स्पीकर साहब, पहले दुख होता है, आप मुझे बताए कल एवान का इजलास शुरू हुआ, एक सवाल तो बनता है, सवाल ये बनता है कि आपने एजेंडा आज भी दिया और कल भी एजेंडा सामने था, आप आके एजेंडे के ऊपर बात करते, लेकिन लेजिस्लेशन से पहले दो तकरीरें होती है, दो पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिए जाते हैं डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से, और दोनों क्या गिरा करते हैं कि हमारे कायद की तबीयत खराब है, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं आया। स्पीकर साहब, पहले तो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब के हवाले से बात हुई, मेरी कार्ड दुरुस्ती के लिए 25,973 वोट है कासिम सूरी साहब का और मौसूब ने 65,000 जाली वोट का इल्जाम लगा दिया। 25,973 कासिम सूरी साहब ने वोट लिया है और मौसूब इस ऐवान में खड़े होके 65,000 के जाली वोट का इल्जाम लगा रहे हैं, गलत बयानी की गई।